सो हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वॉचिंग द साइंस सिस्टम। तो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में चंद्रमा की रेंज में से 2.1 किलोमीटर की रेंज में आने के बाद से ही विक्रम लैंडर अपने सिग्नल इसरो से खो चुका है, जिसे देखकर ये माना जा रहा था कि विक्रम लैंडर क्रैश हो चुका है। तो हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की फोटो खींचकर इसरो को भेजी है, जो कि ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्रैश हो गया था। सो अब लोकेशन मिलने के बाद इसरो दोबारा विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये क्रैशिंग हुई थी या कराई गई थी? सो आपने सही सुना, चंद्रमा पर कुछ ऐसे रहस्य बाकी हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को जानना जरूरी है। सो ये बात है 1969 की, जब नासा ने अपने अपोलो 11 नाम के स्पेसशिप को भेजा था, जिसके अंदर बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग नाम के एस्ट्रोनॉट बैठे थे। जब ये धरती पर वापस आए और इनके इंटरव्यू हुए, तो इनके चेहरे पे खुशी नहीं थी, बल्कि ये डिप्रेस लग रहे थे, मानो इन्होंने चंद्रमा पर कुछ ऐसा देख लिया हो जो कि सही नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने यह भी माना था कि उनके चेहरे पे खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें इंटरव्यूअर के क्वेश्चन अटपटे लग रहे थे, क्योंकि वो इससे पहले कभी चांद पर होके ही नहीं आए थे। बल्कि काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रमा पर होने वाली अपोलो 11 की लैंडिंग नकली थी, यानी कि वो सिर्फ एक हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर शूट की गई एक शूटिंग थी, जो कि रशिया को नीचे दिखाने के लिए नासा यानी कि अमेरिका ने करवाई थी। लेकिन गाइज, मैं नहीं मानता कि करोड़ों की लागत आने वाले इतने बड़े स्पेस प्रोग्राम को रोकना किसी के बस की बात होगी, या कोई इस तरीके से हॉलीवुड शूटिंग करके किसी कंट्री को नीचे दिखाने के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत किसी भी कंट्री के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए बहुत है। बज एल्ड्रिन ने अपने इंटरव्यू में एक बताया था कि जब वो स्पेसशिप से चंद्रमा पर लैंड करने वाले थे, तभी उनके शुरुआत से ही एक नीली रोशनी उनका पीछा कर रही थी, और मानो कि उन्हें उनके आने की खबर पहले से ही थी। और जैसे ही जैसे वो लैंड करते गए और उनके रेडियो सिग्नल जैसे जैसे वो कम्युनिकेशन नासा से कर रहे थे, वैसे ही उन्हें काफ़ी सारी चीज़ अटपटी लगने लगी। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर थी जो कि अपोलो 11 के स्पेसशिप ने चंद्रमा पर जाने के बाद खींची थी, जिसको देखने के बाद साइंटिस्ट अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो क्या एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए रहने वाली जगह थी या फिर सूरज की लाइट और परछाई से बनने वाली कुछ दृष्टियाँ। सो गाइज, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि चंद्रमा पर अभी भी एलियंस है या नहीं। लेकिन बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग जब चंद्रमा पर लैंड किए थे, तब उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो कि सीधा के सीधा नासा सुन रहा था, वो काफ़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग से ऐसा लग रहा था कि वो हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो कि ह्यूमंस का जानना जरूरी था। उनका मानना था तेज चलने वाली नीली रोशनी उनका पीछा कर रही थी, और जैसे ही वो लैंड हुए, तब उन्होंने जगह जगह पर काफ़ी सारे वाइट डॉट देखे, जो कि ये दिखाता था कि शायद वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइट्स और उड़न तश्तरी अवेलेबल हैं, जो कि एक चौंका देने वाली बात थी। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों नासा ने 2 या 3 से ज़्यादा मिशन चंद्रमा पर नहीं भेजे हैं। सो गाइस, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर चंद्रमा पर हमसे ज़्यादा एक मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि एलियन रहते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमें उनके बारे में पता लगे। ये एलियन की सिविलाइजेशन मून के पिछले हिस्से में पाई गई है, जो कि हमेशा अंधेरे से ढका रहता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी कभी ही पहुँचती है और जिसे हम धरती से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और अभी तक जितनी भी लैंडिंग हुई हैं, वो मून के नॉर्थ पोल के पास हुई, जहाँ पर सूरज की लाइट सीधे पड़ती है और वो एरिया सीधा पृथ्वी पर दिखता है। लेकिन जिस एरिया में चंद्रयान 2 लैंड करने वाला था, वो था साउथ पोल, जो कि आधे से ज़्यादा अंधेरे में ढका हुआ था। और कहा जाता है कि अंधेरे से ढकी हुई जगह एलियन का वास मानी जाती है। सो एलियन क्यों चाहेंगे कि उनके बारे में किसी को पता लगे? सो जैसे ही चंद्रयान 2 शायद लैंड कर रहा था 2.1 किलोमीटर की रेंज में आने के बाद, उन्होंने शायद शूट करके उसे क्रैश करवा दिया। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि चंद्रमा पर अभी भी कोई एलियन सिविलाइजेशन है जो कि सीधा चंद्रमा पर रहकर इंसानों पर नज़र रखे हुए है, या ये सब एक बकवास है? हालांकि मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर हम इंसान अकेले नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई तो हमसे ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन है, या तो हम उन्हें अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, या हो सकता है कि उन्होंने हमें पहले ही ढूंढ लिया हो। सो गाइज, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी ऐसे ही रोचक तथ्य वाली वीडियो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़े और बेहतर बन सकें। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।